आप देख रहे हैं TNB। उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल उत्तराखंड में यात्रियों से भरी एक बस उस वक्त बाल बाल बच गई जब भूस्खलन के कारण सड़क किनारे एक पहाड़ से चट्टाने गिरने लगी। समाचार एजेंसी के ट्वीट किए गए एक वीडियो में यह साफ तौर पर दिख रहा है कि मलबे से बचने के लिए बस सही समय पर पहले रुक जाती है। यह घटना उत्तराखंड के नैनीताल में शुक्रवार को हुई और किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। भूस्खलन क्षेत्र में भारी बारिश के कारण यह हादसा होते होते बच गया। आपको बता दें 56 सेकंड के इस वीडियो में कुछ यात्रियों को अपना सामान लेकर डर के मारे बस से उतरते और कुछ लोग तो खिड़की से उतरकर ही भूस्खलन स्थल से भागते हुए देखा गया। बस चालक भी सुरक्षित दूरी तक पहुंचने के लिए वाहन को उल्टा ले जाता है। आइए उस वीडियो को भी आप देखिए जिसमें भूस्खलन की तस्वीरें कैमरे में कैद होती है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वाकई में ये तस्वीर चौंकाने वाली और डराने वाली है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि उखड़े हुए पेड़ों के साथ पहाड़ का एक हिस्सा नीचे उतरता नजर आ रहा है। यात्रियों को राहत की सांस तब मिलती है जब बस पीछे की ओर जाता है। इस वीडियो में यह दिख रहा है कि मलबा गिरना जारी है जिससे सड़क अवरुद्ध हो गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड में 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है जिसके बाद राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने अपनी सभी टीमों को अलर्ट मोड में रखा है। IMD ने शुक्रवार को उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश के साथ भारी से भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। इसने राज्य में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी चेतावनी दी है। पिछले महीने ही हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में कई भूस्खलन के दौरान टेम्पो यात्री पर भारी पत्थर गिरने से 9 पर्यटकों की दर्दनाक मौत हो गई थी और एक स्थानीय निवासी सहित 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। ऐसे में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक लोगों को सचेत और अलर्ट रहने की आवश्यकता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।